कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मतनी में जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करप्शन की इंतहा को पहुंच चुकी है। 2018 के इंतखाबात में वोट की ताकत से पीटीआई वालों की जबान बंद कराएंगे, मुस्तकबिल में यहां मेट्रो बनेगी, सड़कों का जाल भी बिछाएंगे। मगर याद रखना इमरान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जाग चुके हैं, वो आपकी चालों को समझ चुके हैं, वो एहतसाब की बात करते हैं, वो आपके झूठेपन से वाकिफ हो चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ये तय कर लिया है कि 2018 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पीटीआई वालों की जमानतें, ये अवाम अपने वोट की ताकत से उनकी जमानतें जब्त करवाएंगे। बोलो इंशाल्लाह, जमानतें जब्त होंगी, जमानतें जब्त होंगी, जमानतें जब्त होंगी। आने वाला दौर आपका है, खैबर पख्तूनख्वा में भी मेट्रो बनेगी, ग्रीन ऑरेंज ट्रेन चलेंगे, मोटरवे का जाल बिछेगा और इस खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जितना पोटेंशियल बिजली पैदा करने का है, ये लोग तो टाइम जाया कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इस सूबे के अंदर जो गैस के जखायर है, जो बिजली के जखायर है, जो पैसा इस सूबे को इस पे लगेगा, मगर इसमें एक शबाज शरीफ चाहिए, इस सूबे को चलाने के लिए एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक शेर चाहिए।